रेट्रो स्टडीज में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आज हम लेके आए हैं एसएससी जीडी का 25 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 100 परसेंट गारंटीड है कि वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसमें जो टॉपिक कवर किया जाएगा वो होगा स्पॉटिंग एरर्स फिल इन द ब्लैंक्स सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इडियम एंड पैसेज तो बिना समय गवाए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से पहले डायरेक्शन दिया हुआ है कि इस सेंटेंस को पढ़ना है और पढ़ के इसमें जो ग्रामेटिकल एरर है उसको फाइंड आउट करना है A B C D करके ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से कोई एक ऑप्शन में ग्रामेटिकल एरर मिलेगा उसको हमें फाइंड आउट करना है पहला इन एन एफर्ट टू मेक पीस प्रिया स्पोक सेपरेटली टू बोथ द पर्सन इन एन एफर्ट इसमें कोई गलती नहीं है टू मेक पीस इसमें भी कोई गलती नहीं है प्रिया स्पोक सेपरेटली इसमें भी कोई गलत नहीं है लेकिन ये जो ऑप्शन डी है टू बोथ द पर्सन भाई यहाँ पे ये प्रिया जो है वो सेपरेटली दोनों लोग से कैसे बात कर सकती है तो ये ऑप्शन डी गलत होगा मतलब आपका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है सेकंड क्वेश्चन है दे हैड ए नैरो स्केप व्हेन स्केटिंग एज ये तो ठीक है व्हेन स्केटिंग एज व्हेन और एज एक सेंटेंस में एक साथ यूज नहीं होते हैं तो इस सेंटेंस में एरर है। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी सही है द मूवी स्टार शुड नॉट हैव आप देखिए पहले ही सेंटेंस में आपको शुड नॉट दे दिया है तो इस सिचुएशन में पहला जो ऑप्शन है आपका ये सही होगा क्योंकि एरर यहाँ पे फाइंड हो चुका है और शुड नॉट के जगह पे मस्ट नॉट का यूज किया जाता है नेक्स्ट देखेंगे हम लोग चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गि ऑप्शन टू फिलअप सेंटेंस हमको इसमें से देखना है कि जो ऑप्शन है क्या वो ऑप्शन इस दिए हुए जगह में एडजस्ट हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं डॉक्टर्स हाउस ही वेन्ट आउट ऑलरेडी नहीं हि गॉन आउट ऑलरेडी ये भी नहीं हो सकता ही हैज गॉन आउट ऑलरेडी नहीं ये भी नहीं हो सकता मतलब ऑप्शन डी ही हैड गॉन आउट ऑलरेडी ये ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर फाइव हम लोग देखेंगे द गवर्नमेंट एग्रीड टू पे कंपनशेशन डैस डैमेज क्रॉप लैंड एंड कैटल कंपनसेशन टू कंपनसेशन थ्रू कंपनेशन फॉर डेमेज क्रॉप और कंपनसेशन ऑफ डैमेज क्रॉप कभी कभी क्या होता है की ऑफ और फॉर के बीच में स्टूडेंट्स पर जाया करते हैं तो यहाँ पे आपको देखना है की कि किस एवज में कंपनसेशन देने की बात की जा रही है भाई क्रॉप डैमेज हो गया है लैंड और कैटल भी डैमेज हो चुके हैं तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका होगा वो ऑप्शन सी सही होगा नेक्स्ट आपका आता है चूज द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग मतलब विलोम शब्द की बात की जा रही है अगर हिंदी में हम लोग देखे तो क्वेश्चन है एक्सोनोरेट एक्सोनोरेट का इसमें से कौन सा एंटोनिम्स होगा मॉडरेट होगा एक्यूज होगा वॉचफुल होगा एक्वायर होगा सबसे पहले आप जान लीजिए कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स में जो वर्ड दिया रहता है उसका मीनिंग जानना आपको बहुत जरूरी होता है और उसके साथ साथ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनका भी मीनिंग आपको जानना ही पड़ता है क्योंकि अगर अगर आप इसमें से कोई भी वर्ड का मीनिंग नहीं जानते हैं तो आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में करके आएंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए तो ये जो वर्ड है एक्सोनोरेट इसका मतलब मुक्त करना होता है अब एक्सोनोरेट का मीनिंग तो हमें पता चल गया अब पता करते हैं इन चारों वर्ड्स की मीनिंग मॉडरेट मतलब मध्यम दैट इज मीडियम और डिम एक्यूज मतलब होता है आरोप या फिर दोष लगाना वॉचफुल मतलब होता है चौकन्ना या फिर अटेंटिव और का मतलब होता है प्राप्त करना और अब इन चारों ऑप्शन में से एक्जोनरेट का मीनिंग जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा तो अभी हमने देखा कि एक्जोनोरेट का मीनिंग मुक्त करना होता है इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा एक्यूज होगा मतलब आरोप लगाना या फिर दोष लगाना मतलब मुक्त करना दोष लगाना मतलब दोष से मुक्त करना ऐसे करके आप एंटोनेम्स आप लर्न कर सकते हैं नेक्स्ट आपका आता है रिप्लीट रिप्लीट का भी मीनिंग आपको जानना जरूरी है रिप्लीट का मतलब होता है परिपूर्ण अब इसका भी हमें विलोम शब्द खोजना है डिसेंटेंजल डिसेंटेंजल का मीनिंग क्या होता है सुलझाना इम्प्रॉपर का मीनिंग अनुचित डेवॉइड का मतलब वंचित होता है और रीनोवेट का मतलब होता है नया करना अब भाई रिप्लीट का मीनिंग परिपूर्ण हमने बताया और परिपूर्ण का अपोजिट डिसेंटेंजल सुलझाना नहीं हो सकता इम्प्रॉपर अनुचित नहीं हो सकता रिनोवेट नया करना नहीं हो सकता लेकिन यहाँ पे अगर हम देखे तो डिवॉइड जो कि वंचित आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा रिप्लीट मतलब परिपूर्ण और डिवॉइड मतलब वंचित नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिनोनिम्स जो वर्ड दिया हुआ है इसके एवज में दूसरा शब्द समानार्थी शब्द क्या होगा स्पोरेडिक स्पोरेडिक का जो मतलब होता है वो होता है स्कैटरिंग स्कैटरिंग या फिर भाई इस्कैटरिंग या अगर इसको साइंस के हिसाब से देखें तो स्पोरेडिक एपिडेमिक पेंडेमिक ये सब डिजीज है है ना तो स्पोरेडिक देखने के बाद क्या होता है कि बच्चे जब याद किए रहते हैं डिजीज के बारे में तो स्पोरेडिक का मीनिंग जो होता है सिनोनिम्स वो उन्हें लगता है कि एपिडेमिक होगा और एपिडेमिक मार देते हैं और इसके वजह से उनका जो आने वाला नंबर भी रहता है वो भी खत्म हो जाता है एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी जिसे हम लोग ट्रांजिशन भी कहते हैं और रीलिंग का मतलब होता है चक्कर मतलब होता है कि कोई भी कार्य जो कभी कभी किया जाता हो और स्टैग का मतलब होता है रुका हुआ इस पोरेडिक अभी हमने बताया यहां वहां या फिर स्कैटरिंग और ओकेजनल मतलब कभी कभी तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ओकेजनल ऑप्शन सी तो कुल मिला के हो या एंटोनिम्स उसमें आपको जो ऑप्शन दिए रहेंगे उस सब ऑप्शंस को जानना बहुत जरूरी है उन सभी के मीनिंग्स को जानना जरूरी है तभी आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ऑप्शन वाइज अगर आता है तो आसानी से कर पाएंगे नेक्स्ट आपका है सोपोरिफिक सोपोरिफिक का मतलब होता है नींद जैसा और जैसे ऑप्शन ए बी सी और डी दिया हुआ है अब जैसे यहाँ पे हमने सोपोरिफिक का मीनिंग हमें पता है नींद जैसा तो हम लोग किसी भी ऑप्शन को ना देखते हुए डायरेक्टली ऑप्शन डी को देखेंगे जहां पे स्लीप प्रोड्यूसिंग लिखा हुआ है और इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा ये आप लोग के लिए वर्क है ए बी और सी का मीनिंग जरूर एक बार देख लीजिएगा नेक्स्ट आपका आता है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ग्रुप्स ऑफ फोर वर्ड्स आर गिवेन इन ईच ग्रुप वन वर्ड मिस स्पेल्ड फाइन द मिस स्पेल्ड वर्ड मतलब ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें चार चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इस चारों ऑप्शन में कोई एक ऐसा है जो कि गलत लिखा हुआ है मतलब उसकी स्पेलिंग गलत है उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आखिर में कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि गलत स्पेल्ट हुआ है क्वेश्चन टेंथ का ए हरीड हंड्रेड हिंड्रेंस और हेट्रेड इसमें से आपको बहुत सावधानी से देखना है कि कौन सा स्पेलिंग गलत है हरीड का है हंड्रेड का है हिंड्रेंस का है या हेट्रेड का है ध्यान से देखेंगे तो आपको एच यू एन डी आर ई डी ये स्पेलिंग गलत है इसका स्पेलिंग इस क्या होगा एच यू एन डी आर ई और डी हंड्रेड मतलब एच यू एन डी आर ई डी ये ई नहीं होना चाहिए इसलिए आपका ऑप्शन भी सही होगा क्वेश्चन नंबर इलेवन में हम लोग देखेंगे ऑप्शन ए डांस बी डैम्सल सी डिसमल और डी डिसमिसल अब इसमें से हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है और कौन सा इसमें से वर्ड है जो कि मिसस्पेल्ड हुआ है जिसका स्पेलिंग गलत है इसमें से आपका ऑप्शन डी जो है ये गलत है और ये ऑप्शन डी अगर आप टिक करते हैं तो आपका आंसर हंड्रेड सही होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपका है ऑनर Honor, ऑनरेबल Honorary, honorarium. इसमें से जो आपका ऑप्शन सही है वो है ऑनर ऑनरेबल ऑनरेरियम लेकिन ऑनरेरी आपका ऑप्शन गलत है इसलिए ऑप्शन सी पे आप क्लिक करेंगे तो आपका आंसर सही होगा नेक्स्ट आपका है पैसेज पैसेज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि सबसे पहले हमें पैसेज में दिए गए क्वेश्चंस को समझना होगा पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद पैसेज को देखेंगे और पैसेज को देखने के बाद जैसे लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते जाएंगे हमें हमारा आंसर मिलता जाएगा तो ये एक आसान तरीका होता है किसी भी पैसेज को समझने के लिए वो आप SSC में बैठ रहे हैं या फिर किसी भी अन्य कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं और पैसेज पूछ रहा है तो उस समय सबसे पहले हमें पैसेज में दिए गए क्वेश्चन को देखना होगा कि क्वेश्चन में क्या क्या है और क्या क्या क्वेश्चन हमें बताना चाह रहा है तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद हम लोग पैसेज को देखेंगे जैसे आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर जो कॉरस्पॉन्डेंट कोर्स है किसके लिए सुटेबल है टीनेजर विलेजर जो कि 16 से 20 के बीच में है या फिर कोई भी नहीं क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स आर डिजाइन इन सच वे एज टू जो कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स इस तरीके से डि, डिजाइन किया गया है ताकि डिसिप्लिन को बेटर किया जा सके स्कूल में और कॉलेज में कंपिटिशन के लिए रेडी कराया जा सके बच्चों को जो पर्सनल एसोसिएशन है उसमें प्रॉफिट दिख जाए टीचर के लिए या फिर उन एडल्ट्स को भी स्कूल में या कॉलेज में दाखिला देना जो कि ज्ञान अर्जित करना चाह रहे हैं उनका डिजायर ये है तो क्या इन सब चीजों के लिए ये सारी चीजें हैं अब यंग स्टूडेंट और मैच्योर स्कॉलर्स में डिफरेंस पता करना है ऐसा क्वेश्चन दिया है तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आप डायरेक्टली पैसेज पे जाएंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर होता चला जाएगा रेगुलर कॉलेज कोर्स यंगस्टर के लिए डिजायरेबल क्यों होता है अब क्यों होता है ये जब हम पैसेज पढ़ेंगे और उसे समझेंगे तो उस दौरान हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये वाला आंसर का ऑप्शन ये हो सकता है लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज में दिया हुआ है द कॉरेस्पॉन्डेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज एक्सपेक्टेड टू जो कॉरेस्पॉन्डेंट सिस्टम है एजुकेशन के लिए जो दिया गया है वो क्या एक्सपेक्ट करता है तो ऑप्शन दिए गए हैं इस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा और इस तरीके से सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम फिर से पैसेज पे आएंगे और पैसेज को पढ़ेंगे वाइल्ड इट में सूट एडल्ट स्टूडेंट वेरी वेल It is very doubtful whether correspondent education would be adequate for the undergraduate of the usual college age group of 16 to 20. Young people in their team need discipline and supervision of a regular college course with all that it involves in the observance of an integrated schedule of work and play, the personal association with teachers, and psychological stimulus provided by competition with other students. There are obvious exceptions, of course. such as the physical handicapped who cannot get full value from a normal college education but on the whole this distinction between young student and mature scholar is valid enough abhi humne question dekha to usme is mature scholar aur young student se related question dekha तो यहाँ पे सारी चीजें हमको मिलते जाएंगी तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद और उसके बाद हम आसानी से पैसेज को सॉल्व कर लेंगे तो आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन कॉरस्पॉन्डेंट कोर्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर टीनेजर विलेजर्स दो आर बिटवीन सिक्सटीन एंड ट्वेंटी नन ऑफ एब इसमें से आपका ऑप्शन आएगा नन ऑफ एब क्योंकि हमने देखा कि ये सबके लिए सुटेबल है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन करोस्पेंडेंट कोर्स आर डिजाइन इन सच एज टू एनेबल एजुकेशन इफ दे सो डिजायर मतलब जो ऑप्शन डी है आपका ये आंसर सही है एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्वेश्चन और आंसर्स में जब अन uh, पैसेज में अगर ऐसा कुछ दे रहा हो तो जो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में सबसे बड़ा हो हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि वो क्वेश्चन का आंसर सही होता है 70 to 80 chances होते हैं हैं, कि वो आंसर सही हो। इसलिए जो लोग तुक्का मारते हैं तो यहां पे तुक्का मारते तो पे लगाया जा सकता है। देखेंगे अभी देखा पैसेज में इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा दैट द लेटर नीड लेसर पर्सनल अटेंशन देन दर नेक्स्ट आपका है सिक्सटीन रेगुलर कॉलेज कोर्स फॉर यंगस्टर इज डिजायरेबल बिकॉज मतलब रेगुलर कोर्स यंगस्टर के लिए क्यों डिजायरेबल है भाई क्योंकि तो जो वर्क या फिर जो प्रोग्राम एकेडमिक सेशन में हुआ करते हैं उसको अच्छे तरीके से वो कर सके मतलब ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर नो चेंज इन पैटर्न ऑफ एडमिशन टू कॉलेजेस मतलब ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है आगे देखेंगे इसमें एक पैसेज दिया है और पैसेज में रिक्त स्थान दिया हुआ है और और इस रिक्त स्थान को आपको भरना है और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे हम देखेंगे इट कॉल्ड फॉर हेल्प फ्रॉम द जैकल टू गेट आउट ऑफ द वेल बट द जैकल रैन अवे स्माइलिंग एंड विद द प्राइड ऑफ हैविंग डैश द पुअर गोट वोन गेंड डिच और चीटेड हम लोग देखेंगे कि एक गोट रहती है जो कि वेल में गिर गई होती है और जैकल को हेल्प के लिए चिल्लाती है लेकिन हंसते हुए जैकल वहां से भाग जाता है और उसके मन के अंदर क्या रहता है कि वो जीत गया है कुछ पा लिया है कुछ छूट गया है या फिर उसने उस गोट के साथ चीटिंग किया है मतलब 18 का जो ऑप्शन रहेगा आपका चीटेड जो कि ऑप्शन डी है वो सही रहेगा ऑन द वे ही मीट अ कैट रास्ते में उसकी मुलाकात कैट से होती है और उस कैट से कहता है कि तुम सब एक ही जैसे हो क्योंकि तो खाने के लिए यू हैव टू डैश ऑन लेफ्ट ओवर मतलब तुम लोगों को कहा पे क्या करना होता है निर्भर रहना होता है मतलब 19 का जो है वो ऑप्शन ए है डिपेंड मतलब जो बचा खुचा रहता है उस उसपे तुम लोग निर्भर रहते हो देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वेन ही वॉज डैश लाइक दिस सम हंटिंग डॉग केम दैट वे ही विस्परिंग मॉर्निंग बोस्टिंग और crying, वो कर क्या रहा था जब कुछ शिकारी कुत्ते उस रास्ते में आ रहे होते हैं वो तो ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का वो ऑप्शन सी है बोस्टिंग वैसे ही क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन बट द जैकल हैड डैश टू गो नो वेयर टू गो इवन दो इट ट्राइड टू रन द हंटिंग डॉग्स डैश इट एंड किल्ड इट हंटिंग डॉग क्या किए हैं और उसे मार डाले हंटिंग डॉग उसे ओवर पावर्ड मतलब एक झुंड में आके उस उसपे अटैक कर दिए तो वैसे आपका 18 का ऑप्शन डी सही है 19 का ए 20 का सी 21 का बी और 22 का डी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 में इसमें चार वर्ड दिए हुए हैं और वन वर्ड सब्सिट्यूशन के रूप में इसे करना है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटर्न बाई अनदर किसी के जीवनी किसी और के द्वारा लिखा गया है उसे हम लोग क्या कहते हैं ऑटोबायोग्राफी नहीं ऑटोबायोग्राफी वो होता है जो इंसान खुद से अपने बारे में लिखता है बायोग्राफी मतलब दूसरों के द्वारा लिखा गया किसी का जीवनी होता है इसका मतलब ऑप्शन बी आपका आंसर सही है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर अ पोस्ट विदाउट रोमिनेशन वन वर्ड व्यूशन इसका ऑनर होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव वन नॉट डाई वह व्यक्ति जो कभी मर नहीं सकता स्टेबल इमोटल परपिक्चुअल और पेरेनियल इसमें आपका आंसर होगा बी क्योंकि हम लोग हमेशा सुना करते हैं कि सोल इज इमोर्टल जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं वो अमर रहती है इसलिए जो कभी मर नहीं सकता वो इमोर्टल होता है आज के लिए बस इतना ही जुड़े रहिए हमारे चैनल से और बाकी सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करें थैंक यू